पहले क्या कम तोड़फोड़ हुई है इस घर में जब तुम भी शुरू हो गई? शीरी के सर में दर्द था, उसके लिए चाय बना रही थी। मनाओ उसे। क्या मतलब इस बात का? शीरी को मनाओ सर में। उसके बाप ने हाथ जोड़कर पैगाम भेजा है तुम्हारे लिए। देखो, अगर शीरी मान गई ना तो तुम्हारा भी काम बन जाएगा। मालिक साहब कहीं से भी ढूंढ कर ले आएंगे हारून को तुम्हारे लिए, वरना फिर सोच लो हमें भी वही रास्ता चुनना पड़ेगा जो हारून ने चुना। हाँ जाहिर है, मुजफ्फराबाद से निकलकर तो श्रीनगर ही जाना है हमने, और तो कोई छत नहीं है हमारी। देखो मेरी बात सुनो, उसने जितनी हरकत की उतनी लानत मलामत हो गई उसे। जिंदगी भर तुम्हारे सामने सर उठाने के काबिल नहीं रहा। वो शादी नहीं करेगी, जाके बता दें उसके बाप को। क्या सोच रही हो शीरी? क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, बच्चा ही क्या है कुछ सोचने को। मैं बात करती हूँ शेल्टर होम वालों से, हम दोबारा वहां चले जाएं। हम नहीं, सिर्फ मैं। तुम्हारा जाना बनता नहीं है समी। ये सब इसीलिए क्योंकि मैंने उसे माफी दे दी थी। नहीं बेवकूफ, इसलिए कि मैं शेल्टर होम नहीं जा रही। मेरी किस्मत में सिर्फ दरिया लिखा है। और मेरी किस्मत में तुम मेरे माँ बाप को मेरा सोग मनाते देखोगे। जब वो रोएंगे, तड़पेंगे, बिलक बिलक कर रोएंगे ना, तो तुम दूर खड़े होकर बस तमाशा देखना। और सबसे ज्यादा मजा तो तब आएगा जब वो लूजर और बेगैरत इंसान मलिक फारूक अपने हाथ मलता रह जाएगा। और मैं ऊपर बैठे तुम्हारी आंखों से ये सब देख रही होंगी। सोचो कितनी ठंडक पहुंचेगी मेरे दिल को, कितना मजा आएगा। इतना तो तुम कर ही सकती हो ना मेरे लिए। प्लीज